के अतिथि एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री पी नड्डा उनके साथ आए बलोनी जी सभी प्रमुख व्यक्ति आप सबका हार्दिक स्वागत है हार्दिक अभिनंदन है नड्डा जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होने के साथ साथ आज संसार की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं संसार के एक देशों में से सात देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या उन्नीस करोड़ है जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स हैं तो नड्डा जी जिस दिन मोदी जी और आप चाहें उस दिन अपने मेंबर्स का एक अलग देश भी बना सकते हैं 19 करोड़ लोगों का देश आज बलूनी जी राज्यसभा और पार्लियामेंट लोकसभा मिला के तीन के आसपास आपके लोग हैं सत्रह सौ एमएलए हैं इक्कीस राज्यों में सहयोगी दलों के साथ खुद की आपकी सरकार है और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की कंट्री में जबरदस्त लोकप्रियता के कारण वो जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने उसका टेक्निकल श्रेय आपको भी जाता है कि आपके कार्यकाल में वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नड्डा जी के बारे में ये कहा जाता है उनके बारे में एलिमेंट ऑफ इंडिस्पेंसिबिलिटी और एलिमेंट ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड यूनिवर्सली ये उनके व्यक्तित्व की जिसे कहना चाहिए एक विशेषता है ही इज ऑल इन वन ही एंजॉयज द टोटल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ऑल्सो हैज एक्सीलेंट वर्किंग रिलेशनशिप विद अदर पावर सेंटर्स अमित शाह एंड परिवार तो ही इज ए प्राउड मैन ही इज ए ब्रिज बिटवीन द पार्टी एंड द पीपल हु मैटर फॉर द पार्टी तो कुल मिला ऐसे व्यक्ति का आज हम यहाँ अभिनंदन कर रहे हैं उनका मार्गदर्शन लेंगे और एक बात उनके व्यक्तित्व के बारे में मेरे वरिष्ठ से होगी शशिकांत शर्मा जो भी हिमाचल से हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर हैं उन्होंने कहा कि नड्डा की जो बेसिक सोच है वो ये है कि बेसिकली वो एक संगठन के कार्यकर्ता हैं और आमतौर पर जीवन में ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने को मजबूत करने के लिए दूसरे को कमजोर करता है षड्यंत्र करता है राजनीति में नड्डा जी ऐसा नहीं करते वो कहते हैं क्षमा करो आगे बढ़ो टाइम इज ए हीलर समय के साथ सब ठीक हो जाएगा तो एक गांव के छोटे से कस्बे से एक उठा व्यक्ति आज कहाँ पे है हमें आप पे गर्व है जो है और रही बात भारत 24 की तो हमारे तो चैनल की बालूनी जी टैग लाइन ही है विजन ऑफ न्यू इंडिया प्राइम मिनिस्टर का विजन ऑफ न्यू इंडिया तो इन दैट वे नड्डा जी की टीम आप लोग और हम भारत 24 फर्स्ट इंडिया वी आर नेचुरल एलाइज वी आर सिस्टर कंसर्न आप दो का मिशन लागू कीजिए नड्डा जी हम सब आपके साथ हैं जिसे कहते हैं ना आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं तो थैंक यू सो मच एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है थैंक यू अब आपकी तालियों के बीच में मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष एक बार जोरदार तालियां आज के इस भारत 24 के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत ही प्रिय और जिनके साथ मुझे लंबे समय काम करने का भी मौका मिला ऐसे श्री जगदीश चंद्र जी हमारे भारत सरकार में राज्य मंत्री और मेरे साथ स्वास्थ्य का की जिम्मेवारी और केमिकल और फर्टिलाइजर की जिम्मेवारी देख रही बहन अनुप्रिया पटेल जी हमारे लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य और मेरे वरिष्ठ साथी अनिल बलूनी जी डॉक्टर सरीन जी डॉक्टर गुलेरिया जी डॉ श्री कोहली जी हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण हमारे सभी पैनलिस्ट और हमारे मीडिया स्पोक्स और हमारे यूनिवर्सिटी के दिनों के साथी और भारत 24 के साथ जुड़े हुए हमारे साथी श्री शशिकांत शर्मा जी और यहाँ उपस्थित मीडिया और समाज के साथ जागरूकता के साथ जुड़े हुए सभी वरिष्ठ बंधुगण मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज भारत ट्वेंटी फोर के इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला है और भारत ट्वेंटी फोर के साथ मेरा लंबा रिश्ता रहा है सबसे पहले तो मैं उन जो उन्होंने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दी है और स्वास्थ्य सम्मान इस कार्यक्रम को उन्होंने एक रूप देने का प्रयास किया है इसके लिए भारत 24 को मैं सबसे पहले तो अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को एक रूप दे करके आगे बढ़ाने का प्रयास किया है अभी जगदीश जी ने मेरा बड़ा लंबा परिचय दिया और उन्होंने मेरे व्यक्तित्व के बारे में बहुत सी चर्चाएँ की ये जगदीश जी का बड़प्पन है कि वो अपने साथी को बड़ा करते हैं और इसलिए वो शब्दों में उन्होंने मुझे भी बड़ा किया लेकिन एक बात उन्होंने कही कि मैं पार्टी का आदमी हूँ अब मेरी दिक्कत ये हो रही है कि मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बोलूँ या पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बोलूं तो पहले तो पार्टी के अध्यक्ष के रूप में एक बात आपसे बोलना चाहता हूं कि हमारी सदस्यता अभियान चल रही है आप भी उसमें शिरकत करें और अपने आप को आप जोड़ें तो अच्छा रहेगा निश्चित रूप से पार्टी भी का उद्देश्य भी मानवता की सेवा है और पार्टी का उद्देश्य भी भारत को आगे ले जाने का है और इसलिए पार्टी के तरफ से हम सब लोग इस बात के लिए जुटे रहते हैं कि हम कैसे साधारण व्यक्ति को ताकत दे सकते हैं साधारण व्यक्ति को हम एम्पावर कर सकते हैं और यह देश सिर्फ ऐसा कहा जाए 140 करोड़ का देश है तो यह 140 करोड़ की संख्या कोई हमारे ऊपर बोझ है इस तरीके से सोचने के बजाय ये 140 करोड़ का देश हमारी ताकत है और हमारा एसेट है हमें इस तरीके से देखने की आवश्यकता है और एसेट है तो उसकी क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट उसका क्वालिटेटिव जीवन और वो उसका क्वालिटेटिव पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ सकता है ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा उद्देश्य रहा है और उसका एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो आता है वो है हेल्दी बॉडी स्वास्थ्य हेल्दी माइंड क्योंकि हेल्दी माइंड होगा हेल्दी बॉडी होगी तो हेल्दी कंट्रीब्यूशन होगा और जब हम कहते हैं कि हमारा देश यंग देश है यानी युवाओं का देश है सबसे बड़ी आबादी हमारे युवाओं की है तो युवा अगर हेल्दी है युवा अगर ताकतवर है युवा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने वाला है तो देश की तरक्की को रोकने का कोई कोई संभव कोई इसको कर ही नहीं सकता और देश तरक्की करेगा ही करेगा इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए एक बात मैं जरूर कहता हूँ कि क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा हूँ वैसे कई मंत्रालय आते जाते रहते हैं लेकिन जो भी मुझे मंत्रालय मिला है वो मंत्रालय का इफेक्ट इमीजिएट नहीं होता लेकिन डिसीशन इमीडिएट लेने पड़ते हैं इफेक्ट लॉन्ग टर्म होता है तो इसलिए हम लोगों को पेशेंस अपने आप में निहित करना पड़ता है मैं कोई पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नहीं हूं जो कल बुलडोजर भेज दिया सड़क निकाल दी ये खोद दिया वो खोद दिया देखो हो गया हम तो आज इस बात का प्रयास करते हैं कि बच्चे को समय 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 पर टीका लग गया लेकिन वह टीका जब वो चौदह साल का होता है पंद्रह साल का होता है तब हमको पता चलता है कि सही समय पर जो टीका लगा उसका असर क्या हुआ और फिर हमारे नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे जब आते हैं तो हमको बताते हैं कि हम कितने स्वस्थ हो पाए हैं तो यू हैव टू कीप अ पेशेंस लेकिन कंट्रीब्यूशन आपका उस समय होता है वो उस दिन नहीं होता जिस दिन सर्वे के रिजल्ट्स आ रहे होते हैं कंट्रीब्यूशन आपका 20 साल पहले होता है 10 साल पहले होता है इसलिए हेल्थ मिनिस्ट्री की जब मैं बात करता हूं तो इन बारीकियों को हमेशा हमको ध्यान में रखकर हम आज इस बात का प्रयास करते हैं और देखिए उसका असर आज आपको 12 साल बाद दस साल बाद मिलेगा हम इस बात का प्रयास करते हैं कि माँ मदर्स एप्सलूट अफेक्शन चाइल्ड की ब्रेस्ट फीडिंग फर्स्ट 24 फोर आवर्स में हो जानी चाहिए और नेक्स्ट सिक्स मंथ्स तक वही ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए आप समझिए दो करोड़ बच्चे हमारे यहां हर साल पैदा होते हैं दो करोड़ को इंश्योर करना कि मदर इस काम को करे यह छोटी हरकत नहीं होती है बहुत बड़ी हरकत होती है लेकिन मानवता को कितना असर पड़ता है इसको हमको समझना चाहिए कितना इनपुट लगता है और उसका असर हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी हेल्दी ग्रोथ ऑफ द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड इज सो इंपॉर्टेंट एंड फॉर दैट ब्रेस्ट फीडिंग इज सो इंपॉर्टेंट तो आप समझिए कि हमारा विभाग जो है या हमारा जो एरिया है वो कितना सेंसिटिव भी है और कितना दूरगामी प्रभाव भी छोड़ता है और कितना टाइम एक्शन पर लेने की जरूरत हो टाइम पर एक्शन लेने की ज़रूरत होती है इसको भी हमको समझना चाहिए इसलिए आज जब मैं हेल्थ की बात करता हूँ तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के एक्सपीरियंसेस के बाद जब वो 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हेल्थ की पॉलिसीज़ को चेंज करने का प्रयास किया और आफ्टर थ्री डिकेट्स तीन दशक के बाद भारत की हेल्थ पॉलिसी आई अब हेल्थ पॉलिसी क्या थी अब आप तो जानते होंगे हम लोग बोलते हैं हमने हॉस्पिटल्स खोल दिए हमने हॉस्पिटल्स खोल दिए मतलब पहले बीमार करो फिर उसका इलाज करो और इलाज पर लगे रहो और फिर बताते रहो कि हमने इतना इलाज कर दिया हमने इतना इलाज कर दिया हमारी जो 2017 की हेल्थ पॉलिसी आई यहां डॉक्टर सरीन बैठे हैं डॉक्टर गुलेरिया बैठे हैं इन सबका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उस समय रहा बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ और वह बहुत एग्जॉस्टिव कंसल्टेशन के बाद वर्कशॉप्स के बाद वर्कशॉप्स आफ्टर वर्कशॉप्स अनुप्रिया जी भी उस समय हेल्थ मिनिस्ट्री में थी वी आर ऑल टुगेदर वर्किंग दिन रात मेहनत की और फिर उसके बाद एक होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच को डेवलप किया गया इंक्लूसिव होलिस्टिक प्रिवेंटिव क्यूरेटिव रिहैबिलिटेटिव, सारे एस्पेक्ट्स को जोड़ने का प्रयास किया गया और एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी हम लोग लेकर के आए और उस कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी के तहत हम लोगों ने काम को शुरू किया यहां मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि हमने देखिए जितनी बड़ी इमारत होती है उतना ही सॉलिड उसका बेस होता है तो हमारी कोशिश क्या थी कि अगर पिरामिड बनना है तो जितना बड़ा पिरामिड बनना है तो उसका उतना बड़ा बेस होना चाहिए और वो सॉलिड बेस होना चाहिए और इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले इस बात की कोशिश की कि हमारे सब सेंटर्स जो सबसे सब प्राइमरी प्राइमरी यूनिट है वहां उसको हम स्ट्रेंथन करें और फर्स्ट फेज में हम लोगों ने सब सेंटर्स को और पीएचसी को अर्बन में और बाकी सब जगह उसको हमने कन्वर्ट करके हेल्थ के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का प्रयास किया अब वेलनेस सेंटर का मतलब क्या हुआ ए वेलनेस सेंटर वेर एन इंडिविजुअल एट द एज ऑफ थर्टी गेट्स इज डायबिटीज चेक ब्लड प्रेशर चेक हार्ट चेक डेंटल चेक मेंटल चेक ऑल टाइप्स ऑफ चेकिंग शुड टेक प्लेस सो दैट वी आर एबल टू दिस पर्सन इज गोइंग टू बी हाइपरटेंसिव टेंसिव this person is going to develop heart problems this person is going to develop kidney problems this person is going to develop liver problems this person is going to develop uh, 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 diabetic problems and for that usko kaise roka ja sakhe, is baat ko hum logon ne us kiya. Islea, sari workshop sari training hamlogone logon us, us workshop ko dedika जब मोदी जी की दूसरी सरकार बनी यानी दूसरी बार जब वो सरकार में आए तो उन्होंने इसी को बढ़ा करके उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना दिया और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हर एक तरीके के हमने फैसिलिटीज देने का प्रयास किया और आजकल हम लोग जो उसमें कर रहे हैं वो एनक्वास कर रहे हैं नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम हम क्वालिटी के एश्योर कर रहे हैं और हम उसको अवार्ड दे रहे हैं और आज वन लाख सिक्सटी थ्री थाउजेंड आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ये काम चल रहा है और उसको हम तीव्र गति से आगे बढ़ा रहे हैं <प्राँगा> और हम उसको हब एंड स्पोक मॉडल के तहत हम टेलीमेडिसिन से भी जोड़ रहे हैं टेली कंसल्टेशन से भी जोड़ रहे हैं किसी को कोई कोई रैशेज हो गए तो हम उसको वहीं पर टेली कंसल्टेशन करके उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर कोई एक हमारा व्यक्ति होगा वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसको दिखा देगा वहीं पर उसको दवाई मिल जाएगी इस बात का भी हम प्रयास कर रहे हैं अब आपको जान करके खुशी होगी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अगर मैं डायग्नोस्टिक्स की बात करूं तो चौदह किस्म की डायग्नोस्टिक्स की फैसिलिटीज है और अगर हम पी में बात करें तो सिक्सटी थ्री काइंड की डायग्नोस्टिक्स की फैसिलिटीज है और अगर हम सी की बात करें तो नाइनटी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हंड्रेड हमारे फ्री डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को हम लोगों ने देने का प्रयास किया है ताकि आम आदमी को हम सही समय पर उसको हम प्रिवेंट कर सकें उसको हम क्योर कर सकें और उसी तरीके से हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जैसा मैंने कहा एक और एक हमने एसेंशियल मेडिसिंस को भी हमने जोड़ने का प्रयास किया आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर में एक सौ की एसेंशियल मेडिसिन अवेलेबल है 106 एंड सिक्स पी में 172 टाइप्स ऑफ मेडिसिन सब सेंटर में 318 और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में 381 एट्टी यानी जो हम लोगों ने कहा फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटी तो ये शब्दों में नहीं है इसको एसेंशियल मेडिसिन के तहत ला करके इतनी मेडिसिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होना मैंडेटरी है और उसकी फैसिलिटी को हम पब्लिक करते हैं और डिजिटली हम डिस्क्लोज करते हैं और डिस्पोज ऑफ करते हैं इसको हमको ध्यान रखना अभी आपने मेरा पुराना इंटरव्यू देखा हालांकि उस शक्ल और इस शक्ल में बड़ा अंतर है और थैंक्स टू सरीन जी गुलेरिया जी इन लोगों से मैं बार बार पूछता था वजन कैसे कम करूं, वजन कैसे कम करूं, तो इन सब लोगों ने बहुत से उपाय बताए तो मैंने भी अर्न किया है तो आज लेकिन उस इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि मदर एंड चाइल्ड के प्रोग्राम्स के बारे में अब देखिए क्या है हमारे यहां इन सब चीजों की चर्चा नहीं होती सवेरे सवेरे आप न्यूज में सुनेंगे जो अनहोनी है वो उसकी चर्चा होती है जो अच्छी घटना है उसकी चर्चा नहीं होती है कोई बात नहीं समाज का नियम भी है और हमारे यहां कहा भी जाता है इन न्यूज ट्रेवल्स फास्टर तो अगर कोई खराब खबर हो तो वो बड़े तेजी से जाती है और गुड न्यूज टेक्स इट्स ओन टाइम और इसीलिए मैं घर वालों को भी बोलता हूं नो न्यूज इज गुड न्यूज कि कोई न्यूज नहीं है तो समझो सब ठीक है लेकिन अगर हम बात करें तो आपके ध्यान में आएगा कि हमारा कोहोट कितना बड़ा है हमारा अगर आप देखिए तो इस देश में दो करोड़ के आसपास प्रेग्नेंट वुमेन एट एनी गिवन टाइम पर ईयर बच्चे पैदा होते हैं टू करोड़ तो टू करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन एंड टू करोड़ चाइल्ड जो 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 इलेक्टिंग मदर होती है और उसके साथ उसका बच्चा होता है इतना बड़ा हमारा वो है अब आप देखिए इसकी व्यवस्था क्या है नाइन्टी एट परसेंट हम पहुंच गए नाइन्टी एट परसेंट जिस दिन मदर कंसीव करती है उस दिन से लेकर के थ्री एंटीनेटल चेकअप्स ऑन रिकॉर्ड डिजिटली मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम एमसीटीएस दिल्ली में पांच करोड़ लोगों को इन डिफरेंट लैंग्वेजेस हम ट्रैक करते हैं एवरी आशा वर्कर हैज टू फिल इन हर आईपैड कि उसने कब विजिट किया कौन सा एंटीनेटल चेकअप में उसको सब्सक्रिप्शन दिया और उसको वैक्सीनेशन सिक्स सिक्स वैक्सीनेशन टू वैक्सीनेशन सॉरी बिफोर चाइल्ड इज डिलीवर्ड और उसकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराना अब मैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात करूं तो 88.63 पर पॉइंट परसेंट हमारा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो गई है यानी मदर को घर से ला करके उसको डिलीवरी कराना डिलीवरी करा करके वापस भेजना और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो फिर से उसको इंस्टीट्यूट में लाना और फिर से ठीक करके घर भेजना यह काम आज भारत में हो रहा है और इसलिए सेफ मदर सेफ चाइल्ड uh, uh, इस काम को हम लोग करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और इसी तरीके से अगर हम देखें तो इम्यूनाइजेशन uh, का प्रोग्राम अगर हम लें जो मैं अब बात कर रहा था कि बच्चे को टीका लगने का 93.23 परसेंट हमारा इम्यूनाइजेशन है 90 और यह हम नहीं कह रहे हैं यह नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे कह रहा है नाइन्टी परसेंट हमारा इम्यूनाइजेशन है वैक्सीनेशन है अब वैक्सीनेशन में भी एक वैक्सीनेशन नहीं लगता है कुल मिलाकर के 27 सेवन डोजेज लगते हैं जब तक वो 12 साल का नहीं होता 12 इयर्स का नहीं होता और तब तक हम उसको ट्रैक करते हैं वी कीप ट्रैक ऑफ चाइल्ड फॉर 12 इयर्स और 27 सेवन डोजेज लगते हैं और तब हम कहते हैं ये हेल्दी चाइल्ड है आप बताइए ये छोटा काम है अब कहां घर कहां लद्दाख कहां ले कहां बस्तर है? कहां ये इंटीरियर्स की जगह हैं? और इन सब जगहों पर हमारे लोग पहुंच करके वैक्सीनेट करके सब लोगों को हेल्दी चाइल्ड हेल्दी मदर रखने का प्रयास करते हैं इसको भी हमको समझना चाहिए मिशन इंद्रधनुष का प्रोग्राम चला मिशन इंद्रधनुष में प्रोग्राम्स पे प्रोग्राम्स जुड़ते चले गए वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स जुड़े और उसी तरीके से इन सब चीजों को आगे बढ़ाने का काम हुआ है आज हम कह सकते हैं हमारा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो 37 था पर थाउजेंड लाइव बर्थस आज वह घट करके 28 हो गया है यह हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है अगर हम मेटर्नल मोर्टेलिटी रेशियो की बात करें तो वो 2014 में 130 था पर लाख लाइव बर्थ यानी एक लाख बच्चा पैदा होता था तो उसमें मेटरनल मॉर्टेलिटी, मदर की जान जाने की जो थी वो 130 थी दैट हैज बीन रेड्यूस्ड नाउ टू 90, 90 तक हम लेकर के आए और उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अंडर फाइव मॉर्टेलिटी रेट जो है वह भी आज 43 से घट करके थर्टी पर आ गया है और टोटल फर्टिलिटी रेट पॉपुलेशन को भी हम स्टेबल कर रहे हैं बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं ये सब कहने की बातें होती हैं लेकिन यस वी आर ट्राइंग टू स्टेबलाइज अवर पॉपुलेशन एंड इट विल बी स्टेबिलाईज इन कमिंग टाइम्स हमारा आज टोटल फर्टिलिटी रेट जो 2.3 था वो 2.0 पर आकर के खड़ा हो गया है इस तरीके से हम उसको दिए अगर मैं सेकेंडरी हेल्थ केयर की बात करूं तो हम मेडिकल कॉलेजेस की बात कर लें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की बात कर लें कभी सोचा था कि आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बन जाएगा कभी सोचा था कि इस तरीके से हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हम तो यही सोचते थे कि ये गांव का हॉस्पिटल ना बन जाए शहर का हॉस्पिटल गांव का ना बन जाए यही हम सोचते थे आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आर बींग कन्वर्टेड इन टू मेडिकल कॉलेजेस एंड मेडिकल कॉलेजेस कितने बने हैं हमारे यहाँ थ्री एट्टी सेवन मेडिकल कॉलेजेस थे आज मेडिकल कॉलेजेस सेवन हंड्रेड एंड थर्टी वन हो गए हैं जो हमने डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेज बनाया है एंड मेडिकल सीट्स 88 परसेंट इंक्रीज है अगर मैं सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक कहूं तो देश में हमने 75 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को सुपर स्पेशल डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेजेस को हमने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स दिए हैं और सुपर स्पेशलिटी में सेवन टाइप्स ऑफ सुपर स्पेशलिटीज पर काम चल रहा है 75 हमने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स दिए हैं मेडिकल सीट्स में मैं जैसा मैंने कहा कि हमारा 118 परसेंट का इंक्रीज है फिफ्टी सीट्स होती थी आज एक लाख बारह हजार एक सौ बारह सीटें हो गई हैं अंडर अग ग्रेजुएट की और अभी लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने हमको बहुत बड़ा टारगेट दिया है और वो टारगेट है टू इंक्रीज सेवेंटी फाइव थाउजेंड मेडिकल सीट्स नाउ यू सी हाउ अफिल टास्क इट इज दैट वी हैव टू मेंटेन दी क्वांटिटी एंड द क्वालिटी दोनों को मेंटेन करना है इंडियन डॉक्टर्स आर द बेस्ट डॉक्टर्स आस्ट इन दर्ल्ड एंड दे आर रिक्वायर्ड इन दी वर्ल्ड हमारे डॉक्टर्स दुनिया में जाने जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द मेडिकल एंड द क्वालिटी ऑफ द मेडिकल एजुकेशन सो वी हैव टू मेंटेन दैट क्वालिटी ऑल्सो एंड वी हैव टू मेंटेन द क्वांटिटी ऑल्सो दोनों चीजों को हमको संभाल करके चलना यह छोटी बात नहीं है यह बहुत बड़ी इसके लिए बहुत बड़ी तपस्या होती है सब लोगों को साथ लगा करके करना उनको रिकॉग्निशन देना उनकी इंस्पेक्शंस करना उनकी मेडिकल अच्छा फिर यू नीड टीचर्स आल्सो एनेटमी ऐसे नहीं पढ़ाई जा सकती फिजियोलॉजी ऐसे नहीं पढ़ाई जा सकती किसी का शरीर ऐसे नहीं खोला जा सकता है यू हैव टू हैव द ट्रेन डिग्री फॉर दैट तो वो सारी चीजों को करने का काम अब पीजी की सीट्स अगर हम देखें हमारे पास थर्टी था आज सेवेंटी टू का इंक्रीज हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की अगर हम बात करें तो मैं हमेशा बोलता हूं कि हमने रीजनल इंबैलेंस को खत्म किया ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंसेस पहले एक था एक ही मेडिकल कॉलेज था बाद में अटल जी की सरकार आई तो छह हुए बाद में फिर यूपीए की सरकार लंबे समय तक रही तो उनको एक लाइब्रेरी देखा चलो देर आए दुरुस्त आए एक एक तो खोला आज मोदी जी की सरकार है वी हैव गॉट नाउ 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और डॉक्टर गलेरिया जानते हैं हमने किसी हमने एम्स के स्टैंडर्ड को डाइल्यूट नहीं होने दिया है हमने उसके एम्स के स्टैंडर्ड को मेंटेन कर लिया बिकॉज ऑल ऑफ मेडिकल साइंस इज ए ब्रांड एंड वी हैव टू मेंटेन दैट ब्रांड इसलिए हम उसको किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं हमारे टीचर्स हम इंटरव्यू लेते हैं एसोसिएट प्रोफेसर्स के इंटरव्यू लेते हैं बाईस बाईस तेईस तेईस लोगों के इंटरव्यू होते हैं नीचे लिखा होता है नॉट फाउंड फिट हम इंटरव्यू लेने के बाद हम भरते नहीं है हम जब कोई हमको फिट कैंडिडेट मिलता है तभी हम ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंसेज में भरते हैं अब आप देखिए हमारे लिए कितना अफिल टास्क है कि 22 ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंसेज भी चलाना है और नॉट फाउंड फिट भी रखना है यानी फाउंड फिट भी चाहिए डॉक्टर यानी प्रोफेसर जो उस लायक हो सके तो इसके बीच का जो संघर्ष होता है तो उसको भी हम चला रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि नॉर्थ इंडिया में हमने छः ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट खोले रिवाड़ी में खोल रहे हैं जम्मू में खोल रहे हैं अवंतीपुरा में खोल रहे हैं ऋषिकेश में खोला है बिलासपुर में ऑपरेशनल हो गया है और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं उसी तरीके से वेस्ट में जोधपुर राजकोट और नॉर्थ में भटिंडा और ईस्ट में पटना भुवनेश्वर गोरखपुर रायबरेली दरभंगा कल्याणी कुछ ऑपरेशनल हो गए हैं कुछ ऑपरेशनल होने वाले हैं और सेंटर में रायपुर भोपाल नागपुर और उसी तरीके से साउथ में मंगलगिरी बीवी नगर और मदुरई इसमें हम खोल रहे हैं इस तरीके से हम आगे बढ़ा रहे हैं तो एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का रीजनल इम्बेलेंस पहले सब लोग दिल्ली आते थे आज आपको जानकर के खुशी होगी कल ही मैं भुवनेश्वर का रिव्यू ले रहा था तो प्रैक्टिकली भुवनेश्वर के और उधर के एरिया के लोग और इवन वेस्ट बंगाल के लोग नाउ एवरीबडी इज गोइंग टू भुवनेश्वर दे आर नॉट कमिंग टू डेली ये डिफरेंस आता है आज सारे मध्य प्रदेश के पेशेंट्स अब दिल्ली नहीं आ रहे हैं वो सारे भोपाल जा रहे हैं अब सारे छत्तीसगढ़ और नीचे के इलाके के यानी तेलंगाना से लेकर के और नेबरिंग एरिया के लेकर के उड़ीसा के लोग भी जो नीचे छत्तीसगढ़ से लगे हुए लोग हैं दे आर गोइंग टू रायपुर तो वी हैव ट्राइड टू सी टू इट की जनसंख्या तो बड़ी है पेशेंट्स भी बढ़े हैं तो उसके फ्लो को सबको दिल्ली ही आए यह जरूरी नहीं है हम उनको पेशेंट्स को वहां पर क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन मेडिकल सर्विसेज दे सके इस बात का हम लोगों ने प्रयास किया है आज बिहार से लोग बहुत कम आ रहे हैं पटना इज टेकिंग केयर और उसी तरीके से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है एक मैं आप लोगों के साथ जरूर चर्चा करना चाहूंगा देखिए जब हम लोग बोलते हैं ना आत्मनिर्भर भारत स्वाभिमानी भारत तो ये इसको हाउ विल यू एक्सप्लेन ये स्वाभिमानी भारत क्या होता है ये आत्मनिर्भर भारत क्या होता है आई विल एक्सप्लेन यू और आप देखिए जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा 1906 में बन गई जापान में और भारत में वो 2006 में आई इट केम इन 2006 और जापानीज इंसेफ्लाइटिस से हमारे बच्चे बचना शुरू हुए 2015-16 में फिफ्टीन सिक्सटीन में आज आप जापनीज इंसिफ्लाइटिस की कोई आप शिकायत नहीं सुनते होंगे नहीं तो बरसात आई नहीं और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जापनीज दीवाबी बुखार से भरा नहीं और मरने की संख्या श्रृंखला में होती थी सौ डेढ़ सौ दो सौ आज आप सुन नहीं रहे लेकिन नाइनटीन हंड्रेड सिक्स में दवा बन गई टू थाउजेंड सिक्स में आई कैसे चलता होगा देश किस तरीके का देश होगा उसी तरीके से अगर हम बात करें पोलियो की आज वैक्सीन आज हम लोग हम लोग पोलियो फ्री हो गए हैं एक भी बच्चा छूट ना जाए सुरक्षा चक्र टूट ना जाए इस बात को कह करके हम पोलियो फ्री हो गए लेकिन आईपीवी वैक्सीन हमारे यहां दुनिया में 1955 में आ गया था हमारे यहां 2015 में आया पोलियो का वैक्सीन आईपीवी वैक्सीन उसी तरीके से हेपेटाइटिस बी ये 1982 में आ गया था इंडिया में ये प्रोग्राम बनते बनते 2022 हो गया एम आर आई डॉक्टर सरिंग टू में इट बिकेम में प्रोग्राम उसी तरीके से अगर हम देखें अब आप डिफरेंस देखिए कोविड का फर्स्ट केस ट्वेंटी जनवरी 2020 को भारत में आया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने टास्क फोर्स 20 अप्रैल 2020 को बैठाया और नाइन मंथ्स के अंदर एक नहीं दो दो इंडिजिनस वैक्सीन बना करके दी ये है यह है स्वाभिमानी भारत और यह है आत्मनिर्भर भारत हमने किसी की तरफ देखा नहीं कि वो हमको वैक्सीन देगा एंड वी आर प्राउड टू से दैट वी हैव अंडर वैक्सीन मैथ्री वी हैव सप्लाइड टू हंड्रेड नेशंस कोविड की वैक्सीन हमने हंड्रेड देशों को पहुंचाई है और फोर्टी एट देशों को मुफ्त में पहुंचाई है फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाई यह है स्वाभिमानी भारत यह है आत्मनिर्भर भारत एंड दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड अब आप बताइए वैक्सीनेशन की बात कीजिए करेक्ट माय लेकिन वैक्सीनेशन अमेरिका में 67, 68 परसेंट के आसपास हुआ है कोरोना का हम 90 प्लस हैं 220 करोड़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम 18 महीने के अंदर 220 करोड़ डबल डोज लगा करके विथ बूस्टर लगा करके हमने खड़ा किया अब वैसे, अब आपने कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का भी अध्यक्ष हूं तो मैं लोगों को सिर्फ उनकी मेमोरी को याद दिलाता हूं कि जब ये वैक्सीन लग रहा था तो हमारे ऑपोजिशन के लीडर्स बोलते थे कि इसकी ट्रायल टेस्टिंग नहीं हुई है ये तो वी आर नॉट पिग वी आर नॉट गिनी पिग्स हमारे ऊपर ट्रायल थोड़ी ना होगी इसकी इसकी थर्ड ट्रायल नहीं हुई है और ये तो मोदी टीका है मोदी टीका है और चुपके चुपके जाके खुद लगवा लिया मोदी टीका मेरे को मिले तो मैंने कहा कैसा लगा मोदी टीका अभी और लगेगा आगे बूस्टर भी लगेगा लेकिन देखिए कि दो देश किस बात से जूझ रहा था और ये किस बात से जूझ रहे थे और आज भारत 220 करोड़ डबल डोज लगा करके आज भारत दुनिया को एग्जाम्पल दे रहा है इस बात को हमको समझना चाहिए ये ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए और उसी तरीके से जब मैं इन सारी बातों को कहता हूं तो यह भी बताना चाहता हूं कि आज बाकी सब देशों में किस बात की चर्चा हुई कि हम आप कुछ आश्चर्य करोगे दुनिया में लॉकडाउन लगने के खिलाफ स्ट्राइक हुई यूरोपियन देशों में हुई पढ़े लिखे देशों में हुई नो वी डू नॉट वॉन्ट टू रिमेन इन लॉकडाउन नो वी डू नॉट वॉन्ट टू गेट वैक्सीनेटेड और यहां भारत एक ऐसा देश रहा जहां कोविड की लड़ाई सिर्फ सरकार ने नहीं लड़ी सरकार के साथ साथ देश ने लड़ी और एक साथ कोऑपरेट करके खड़ा हुआ अगर मोदी जी ने कहा जनता कर्फ्यू तो जनता कर्फ्यू लगा अगर मोदी जी ने कहा थाली बजाओ तो थाली बजी अगर मोदी जी ने कहा दिया जलाओ तो दीप जला ये दीप जलना सिर्फ दीप जलना नहीं था यह 140 करोड़ लोगों का कोविड से लड़ने का कमिटमेंट था और उसका कन्विक्शन था जो उसमें से निकल करके आया तो इस तरीके से देश को आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है और उसको हम लोगों ने आगे रखने का प्रयास किया मैं मैं आई फील बाई सेल्फ टू बी प्राउड दैट आई हैव बीन एसोसिएटेड विथ हेल्थ एंड आई एम द वेरी लकी टू बी ए पर्सन हु वॉज हेल्थ मिनिस्टर इन द स्टेट ऑल्सो एंड हु हेल्थ मिनिस्टर इन देंटर ऑल्सो इन द यूनियन गवर्नमेंट ऑल्सो हमको ये देखने का मौका मिला हम जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस में जाते थे तो वहाँ एक शब्द सुनते थे यूएचसी यू एच सी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यूनिवर्सल और मैं अपने आप को समझता था यार ये यूएससी तो बड़े बड़े देशों की बात है हम कहाँ इसमें पढ़ेंगे हम कहाँ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दे पाएंगे लेकिन आज इंडिया इज़ ए लीडर और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में मोदी जी ने कहा कुछ बड़ा करो और भारत की हमको तस्वीर बदलनी है थिंक अबाउट इट और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत दस करोड़ चौहत्तर लाख परिवार आज वो बारह करोड़ हो गए उस दिन दस करोड़ चौहत्तर लाख परिवार फिफ्टी फाइव करोड़ पीपल ऑफ इंडिया विच इज इंडिया फोर्टी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन एंड विच हु आर दे मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पुअर पीपल बाय सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के तहत भी और बाय प्रोफेशन ऑल्सो रिक्शा वाला ठेला वाला रेड़ी वाला फेड़ी वाला सब्जी वाला बस का ड्राइवर कंडक्टर क्लीनर ट्रक का ड्राइवर गेट का सिक्योरिटी गार्ड लिफ्ट मैन बारबर जूते बनाने वाला ऐसे मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को प्रधानमंत्री जी ने फाइव लाख रुपए पर ईयर पर फैमिली देने का तय किया दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम दिस ज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम और इसमें आपको जानकर के खुशी होगी कि अभी तक लगभग चौतीस करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बन गया है 6 करोड़ 6.86 करोड़ लोगों का ट्रीटमेंट हो गया है यानी 6 करोड़ छियासी लाख यानी 7 करोड़ लोगों का ट्रीटमेंट हो चुका है और इसमें एटी सिक्स 97 करोड़ दिस हैजीन स्पेंट ऑन दी पुअर पीपल फॉर गिविंग दम क्वालिटी हेल्थ केयर और उनको उनकी जान को बचाने के लिए इस तरीके की व्यवस्था की गई अभी हम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में हम काम कर रहे हैं और आप लोगों को भी अगर नहीं मिला है तो आप आभा कार्ड लीजिए आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड आभा कार्ड आयुष्मान भारत हेल्थ अथॉरिटी के तहत वो आभा कार्ड दिया जा रहा है ये जो आभा कार्ड है ये भी अभी थर्टी सिक्स करोड़ को हम बांट चुके हैं बाकी ऑन ऑन प्रोसेस है नाउ व्हाट इज दिस दिस आभा कार्ड विल हैव ऑल द प्रैक्टिशनर्स ऑफ द कंट्री ऑल द हेल्थ वर्कर्स ऑफ द कंट्री इन वन इन थ्रू दैट कार्ड यू कैन एक्सेस ऑल हेल्थ फैसिलिटीज ऑफ द कंट्री यू कैन एक्सेस टू इट एंड इट विल हैव योर पी एच आर ऑल्सो योर पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड ऑल्सो आप लोग जाते हैं ना कभी किसी को दिखाने तो इतना बड़ा जत्था लेकर के जाते हैं ये पता नहीं ये कहां पर ये, ये एक्सरे कहा हुआ था वो एक्सरे कहा हुआ था लाल पैथ लैब का ब्लड टेस्ट कब हुआ था उसका कब हुआ था नाव यू आर गोइंग टू हैव ऑल इन दैट वन आभा कार्ड एंड प्राइवेसी विल विथ व्यू इफ यू वॉन्ट टू शेयर विद एनी बडी वो आप शेयर कर सकते हो और वह भी आगे किसी को शेयर नहीं कर सकता इस तरीके की हेल्थ की हमने फैसिलिटी बताई है अब बताइए अब हमें उनको तो नहीं समझा सकते जिनकी बुद्धि बंद है लेकिन उनको तो हम समझा ही सकते हैं कि इंडिया इज बिकमिंग डिजिटल इट इज ए डिजिटल इंडिया नाउ हम हंसी हसी में कई बार बोलते हैं हम लोग जब आए आधार से जब हम उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे थे लिंक करने बाद अरे ये क्या होगा भारत में तो इंटरनेट ही नहीं है सब जगह ये तो भारत तो अनपढ़ों का देश है यहाँ तो अनपढ़ है ये कौन यूज करेगा आज सब्जी वाला भी आपको क्यू आर कोड लगा करके बैठा हुआ है क्यू आर कोड से पेमेंट लेता है ये डिजिटल इंडिया है तो इस तरीके से ये सारी चीजों को डेवलप किया गया है हम जब स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो बजट उस समय तेईस हजार करोड़ रुपए का था आज नब्बे हजार करोड़ रुपए का बजट है प्रायोरिटी दी गई है और 2.5 परसेंट हम जीडीपी का ले जाने के लिए हम कमिटमेंट हैं उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं उस तरफ हम बढ़ चले हैं उसको हम आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं हेल्थ रिसर्च पर हमारा काम चल रहा है ये जो वैक्सीन बनकर के कोरोना की आई है ये ऐसे नहीं आई है इस रिसर्च के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्पेशली पैसे दिए इंडस्ट्री को प्रोत्साहित किया आईसीएमआर पूरी ताकत से लगी और इसीलिए जो हमारा कोविड वैक्सीन है उस पर ज्वाइंट पेटेंट का अधिकार है आई का भी है और भारत बायोटेक का शायद भारत बायोटेक का दोनों का मिल करके है तो लेकिन भारत सरकार ने रिसर्च के लिए पूरी ताकत लगाई है और उसको जोड़ने का प्रयास किया है इस तरीके से हेल्थ को हम आगे बढ़ा रहे हैं तो मैंने आपके सामने हेल्थ के बहुत बहुआयामी एस्पेक्ट्स को रखने का प्रयास किया है और हमारे शरीन साहब यहाँ बैठे हैं इन्होंने हमको कहा कि हेपेटाइटिस के लिए उसको प्रोग्राम बनाना चाहिए और वो प्रोग्राम बनेगा तो बहुत भला होगा मैंने उसी मंच से उसको अनाउंस किया था और बाद में वो प्रोग्राम बन करके हमारा नेशनल प्रोग्राम में जुड़ा तो ये सरीन साहब ने उस समय दिया उस तरीके से हमने किया गलेरिया साहब यहाँ बैठे हैं आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिस की कैपेसिटी डबल हो गई और वहाँ पर हर एक तरीके से हम फैसिलिटीज़ को बढ़ाते ही जा रहे हैं क्यों क्योंकि हम वो एक हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है आपने लंबे समय तक वहां काम किया है तो उसको भी हम आगे बढ़ाने का काम किया है ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हेल्थ को मेन फोकस में रख करके आज हम चल रहे हैं और दुनिया भी अब यह मान रहा है कि इंडिया इज टेकिंग अ लीड इन द फील्ड ऑफ हेल्थ दुनिया भी मान रहा है और मैं हम इस, इस सोच के नहीं है कि ब्रेन ड्रेन हमारे लोग बाहर जा रहे हैं मैं कहता हूं जाओ जितना जाना है जाओ हम और डॉक्टर पैदा करेंगे यहां भी संभालेंगे वहां भी संभालेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं क्यों क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का सपना है स्पीड स्केल एंड स्किल स्पीड भी बढ़ाओ स्केल भी बढ़ाओ और स्किल भी बढ़ाओ तो इन तीनों पर हम काम कर रहे हैं पूरी ताकत से हम लगे हैं और उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं मेरे मित्र शशिकांत जी यहां बैठे हैं हम दोनों यूनिवर्सिटी के साथी रहे हैं और ये हमारे क्लब के साथी भी हैं और जब मैं क्लब का साथी बोलता हूं तो बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने विधानसभा में भी जोड़ी थी और उसमें इस बात को भी हमने जोड़ा कि और कुछ नहीं तो कम से कम मेडिकल फैसिलिटीज़ तो सुदृढ़ होनी चाहिए हमारे स्टेट में उसमें शशिकांत जी ने बहुत हमारा योगदान किया वहाँ एक बहुत पॉजिटिव वातावरण बनाने का उसमें योगदान किया है तो मैं इनका भी धन्यवाद ही कि इन्होंने हमेशा हमको और आपको मालूम है कि पॉलिटिक्स में दिया जो है वो ऐसे ऐसे जलता रहता है थोड़ा कभी बुझता रहता है तो उस दिए को जलते रहने में और उसको ताकत देने में इनका बहुत बड़ा योगदान है और इन्होंने हमें हमेशा गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स ही हैज़ बीन विथ मी एंड वी हैव वर्क टुगेदर और गुड टाइम का आनंद तब तक नहीं आता जब तक बैड टाइम ना देखो तो तभी उसका आनंद लेने का भी मज़ा होता है तो इसलिए ऐसे सब हम लोगों ने समय को देखा है और आज जगदीश जी से मेरा बड़ा पुराना संबंध है और ये संबंध कोई आ, मीडिया के दृष्टि से नहीं एक पारिवारिक संबंध है तो इसलिए जब जगदीश जी बोलते हैं तो मुझे आ, इनकी बात को स्वीकार करना पड़ता है और उसको हम पूरा करते हैं मैं नहीं जानता कि आपको मैंने स्वास्थ्य के बारे में कितना जागृत किया है लेकिन एक बात मुझे भी समझ में आई है कि हम लोग बहुत खाते हैं जितना ज़रूरत नहीं होता है उतना तो भी खा लेते हैं जरा कम करेंगे तो कुछ बिगड़ता नहीं है ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है तो ये आप ज़रूर आप भी ध्यान रखिए आपने मेरी बात सुनी आपका बहुत बहुत धन्यवाद